हेलो गाइस, आई एम अभिषेक कनौजिया। सो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं ओवरलोडिंग के बारे में और कुछ जानकारी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ओवरलोडिंग क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे तीन तरह की ओवरलोडिंग होती है और किस किस तरह की ओवरलोडिंग होगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिफरेंट नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स, यानी कि ये फर्स्ट। सो डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, सो इसका मीन्स क्या है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे, एट डिफरेंट नंबर, ओके, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। सो सबसे पहले मैं आपको इस ओवर नॉट जावा इस क्लास के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम मेथड क्रिएट करेंगे पहले वाले के लिए, जिसमें कि हमारे पैरामीटर्स अलग अलग होंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना मेथड क्रिएट करता हूँ। सो पब्लिक के साथ वॉइड, पब्लिक वॉइड, अपने मेथड का नाम मैं डिस्प देता हूँ, डिस्प। इसके अंदर मैं यहाँ पे अपने मेथड्स क्रिएट करूँगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अभी कोई पैरामीटर नहीं दिया है। अभी मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप डेटा मीट इंटीजर टाइप पैरामीटर देता हूँ, इंटीजर एक्स। एंड अभी मैं एक और यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ सेम, तो इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे दो मेथड्स क्रिएट कर लिए एक ही नाम के, बट यहाँ पे अभी पैरामीटर्स दोनों के सेम है। सो पहला वाला यहाँ पे क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, यानी कि यहाँ पे एक पैरामीटर है। अभी मैं यहाँ पे एक पैरामीटर और दूंगा, यहाँ पे मैं एक करेक्टर पैरामीटर ले लेता हूँ, करेक्टर सी। सो अभी आप देख रहे हैं दोनों मेथड यहाँ पे लिस्ट नाम के हो गए और कोई भी एरर नहीं आ रही है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको आउटपुट मिलता है, यानी सिस्टम डॉट आउट से मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सो अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट के हिसाब फर्स्ट आउटपुट देता हूँ, आउटपुट इज इक्वल्स टू प्लस, यहाँ पे मैक्स को प्रिंट करा देता हूँ सिंपल। इसको मैं यहाँ से फिर कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड मेथड आउटपुट, या सेकंड सेकंड आउटपुट। मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट कराऊँगा एंड एक स्पेस देके मैं यहाँ पे सी की वैल्यू भी प्रिंट कराऊँगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे सी लिखूँगा। सो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे दो वैल्यू दी हैं, यहाँ पे एक पैरामीटर लिया है, यहाँ पे दो लिए हैं। तो ये पहला नंबर का एग्जांपल हो गया हमारे, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो अभी मैं यहाँ पे इसको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड को कॉल करूँगा। तो डिस्प यहाँ पे मैं इस इंटीजर को 5 वैल्यू दे देता हूँ एंड अभी मैं नेक्स्ट वाला कॉल करूँगा, ओ बी डॉट इंटीजर एक्स देनी और एक करेक्टर वैल्यू देनी है। तो मैं यहाँ पे इसको 10 दे देता हूँ, यहाँ पे करेक्टर सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर मैं इसको दे देता हूँ ओ ए। अभी मैं इसको जबरन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे फर्स्ट आउटपुट 5 मिल रहा है एंड सेकंड आउटपुट 10 एंड ए करेक्टर मिल रहा है। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट तरह का डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। सो अभी हम बात करेंगे अपने दूसरे मेथड के बारे में, जो कि है डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर। डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर लिया, यानी कि इंटीजर एक्स। अभी यहाँ पे इसका मीन क्या है, डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर, यानी कि यहाँ पे डेटा टाइप्स के चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इंटीजर एक्स ले रहा हूँ तो मैं इसको अभी यहाँ पे डिलीट करता हूँ, वेट। एंड अभी यहाँ पे करेक्टर है, यहाँ पे इंटीजर है और दोनों मेथड सेम है, तो यहाँ पे हमारे डेटा टाइप्स दोनों के चेंज हो गए हैं। सो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड एक स्पेस को भी हटा देता हूँ। सो अभी आप देख रहे हैं इसको मैं रन कराऊँगा, वेट। मेरे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देनी है, केवल ए देना है एक। सो अभी मैं इसको जब रन कराऊँगा तो आप देख सकते हैं मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, एक में 5, एक में। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप्स और पैरामीटर हमारे दोनों अलग अलग हैं। एंड सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप, सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप क्या होता है, सीक्वेंस डेटा टाइप में जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं अपनी इस क्लास के अंदर ओवर। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू एक्स ली है एंड अभी इसी के बाद मैं यहाँ पे एक करेक्टर वैल्यू ले लेता हूँ, करेक्टर वैल्यू ए, ओके। एंड डेटा ठीक सीक्वेंस क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इंटीजर पहले लिया और करेक्टर बाद में लिया है। सो यहाँ पे मुझे इसका सीक्वेंस चेंज करना होगा। सो जैसे कि यहाँ पे मैं करेक्टर ए ले लेता हूँ, वेट। एंड यहाँ पे इंटीजर एक्स को मैं बाद में ले लेता हूँ। सो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे डेटा सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप पैरामीटर्स हो जाएंगे। अभी मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो एक्स प्लस, यहाँ पे मुझे स्पेस देना होगा, प्लस ए। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कराऊंगा एंड उसके बाद मैं एक स्पेस दूंगा, वेट। एंड मैं यहाँ पे इसको ऐड कराऊंगा एक्स को। सो अभी मैं इसको यहाँ पे रन करा के दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे मैं इसको बी ए दे देता हूँ एंड 1 सेकेंड। सबसे पहले मैं यहाँ पे ए एंड 5 दे देता हूँ। सो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे
मैंने यहाँ पे एक्स और ए दिया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स वैल्यू दूंगा एक्स की, यानी 5 4, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक सिंगल एंड कॉमा में ए दूंगा। सेम यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए दिया है एंड यहाँ पे मैं 5 दूंगा। तो इस तरह से आउटपुट देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट आने वाला है। सो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ डेटा है। सो आप समझ गए होंगे वो लोडिंग क्या है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।